हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरह से इसमें मैं सवाल जवाब करने वाला हूँ एंड ये सवाल जवाब होगा मेरे एक प्रीवियस वीडियो पे, जो वीडियो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो। और ये वीडियो मैंने डाला था लास्ट ईयर 4th March 2020 को कुछ। और ये वीडियो का नाम था कैन यू प्ले CWL इन टू क्लैंस विथ वन ID। तो भाई इसका जवाब तो उसी वीडियो में मैंने दे दिया था। काफ़ी सिंपल है भाई, ये पॉसिबल नहीं है और आप खुद चाह के भी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये बस एक ग्लिच था और मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। और मैंने ये बोला था कि ये भाई ये वीडियो मेरा वायरल कर दो, एंड वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है कि हर महीने कुछ ना कुछ उस पर व्यूज़ आते ही रहता है, ठीक है। तो उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे जिनका मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं रेगुलर यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं कर रहा था और ना ही करता हूँ। लेकिन मुझे अभी लगा कि चलो उन सवालों के जवाब देते, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था भाई और काफ़ी फ़नी था वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या जवाब सवाल था और उसके जवाब मैं क्या दे सकता हूँ, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं गाइस। जो भी मैंने कमेंट्स 8-9 पिक किए हैं यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएंगे, कमेंट्स क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया मैंने, एंड जो बैकग्राउंड में है वो अटैक्स चलते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था महिपाल सिंह ने, जिन्होंने पूछा इज़ दिस रियली वर्क्स। तो मेरे भाई उस वीडियो में भी मैंने प्रीवियस जो वीडियो था जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी मैंने बोला था कि ये बस ग्लिच है, आप चाह के ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ ग्लिच ऐसा हो गया तो ज़रूर वर्क करेगा। और ऐसा हैक वैक भी मैंने कुछ इस वीडियो में नहीं बोला था कि आप ऐसा हैक कर सकते हो और खेल सकते हो। तो ऐसा ही है, ग्लिच हुआ तो वर्क कर सकता है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो हम जाएंगे अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो था यहाँ पे पूछा था बादल गुप्ता ने। तो इन्होंने पूछा है VKS ब्रो, आई हैव सेम ग्लिच इन करंट CWL, तो क्या मेरी ID बैन हो जाएगी? तो अगर ये ग्लिच हुआ है तो भाई आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर बहुत बार क्या होता है सुपर सेल फॉल्स बैन भी दे देता है, अगर कोई सामने वाला आपको रिपोर्ट करता है तो वो चेक करते हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ वगैरह है या नहीं। तो अगर इन वर्स्ट केस, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैन देंगे उनकी गलती की वजह से, अगर वर्स्ट केस हो गया तो आपका ID परमानेंट बैन भी अनबैन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा था राहुल सरकार ने, इन्होंने पूछा है भाई एक ग्लिच है या दो क्लैन पे एक साथ CWL खेला जा सकता है? तो ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ये बस ग्लिच है, रेयर और रैंडम केसेस बहुत कम ऐसा होता है कि आप दो जगह प्लेस कर जाते हो CWL में, ठीक है। और मैंने देखा है, मतलब वीडियो को समझो एक साल से ऊपर हो गया और बीच बीच में कमेंट्स आते रहते थे बंदों के कि भाई मेरे साथ सेम ग्लिच हो गया और मैं दो जगह CWL खेल पा रहा हूँ। तो ऐसा होते रहता है ग्लीचेस, एंड ये अभी भी हो रहा है। तो अगर आप लकी रहोगे तो हो सकता है कभी भी। सो जो नेक्स्ट है नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रो विल वी गेट रिवॉर्ड फ्रॉम बोथ क्लैंस? ये था क्वेश्चन झांसी रानी नाम है जिन्होंने कमेंट किया है। तो यस, जो प्लेयर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो दोनों क्लैंस से रिवॉर्ड्स उसको मिले थे। तो यस, यू विल गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम बोथ क्लैंस। एंड नंबर 5 पे जाते हैं हम, जो नंबर 5 क्वेश्चन पूछा है बंदे ने साइराज पाल से। तो ये बंदा बोल रहे हैं 4 क्लैन में खेल सकते हैं क्या प्लीज़? यस भाई, अगर समझो सुपर सेल मेरे अंडर होता, सुपर सेल मेरे अंडर काम कर रहा होता तो मैं तुम्हें 4 नहीं 8 क्लैन में CWL खिलवा सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं है तो फ़िलहाल के लिए आप नहीं खेल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये था नंबर फाइव क्वेश्चन, ठीक है। अब नंबर 6 पे जाएंगे हम लोग। ए भाई और भी अजूबा है, मतलब क्या ही कमेंट कर देते हैं बंदे। तो इसने पूछा है आपने लिखा हुई आपके टाउन हॉल में होना चाहिए, आपके टाउन हॉल में 6 बिल्डर कैसे है? तो भाई इसका जवाब क्या ही दूँ मैं, मतलब या भाई यही तो रीज़न है भाई गेम बर्बाद हुआ पड़ा है ऐसे लोगों की वजह से। सॉरी गाइस, कट लेना पड़ा, पर मुझे और भी कुछ बोलना था और मुझे हंसी आ गई। तो असल में जो ये सवाल है यार, ऐसे जो निब्बे है बच्चे 16-17 साल के बच्चे, इन्हीं लोगों की वजह से जो है पूरे कम्युनिटी में निब्बे क्रिएटर्स भरे पड़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाते हैं। और ऐसे ऐसे ऑडियंस जो है
वही उनका कंटेंट देख रहे हैं। तो भाई का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो असल में हमारे जो मेन बिल्डर में है, मेन बेस में है, वहाँ पे 5 बिल्डर अपने को मैक्सिमम मिलते हैं। लेकिन जो बिल्डर बेस है वहाँ पे एक बिल्डर रहता था पहले, लेकिन हाल ही में अपडेट आया था जब आपको सेकंड बिल्डर वहाँ पे अनलॉक हुआ। जो वो सेकंड बिल्डर आप अनलॉक कर सकते हो, कुछ उसके लिए बिल्डर जो बिल्डर बेस का हीरो है उसको लेवल 30 वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे आपको सेकंड जो बिल्डर मिलेगा उसको आप अपने मेन विलेज में शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे है भाई हमारा जो 6th बिल्डर है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन शायद, आई थिंक। हाँ, अब 7th देखते हैं। 7th किसने पूछा था? 6th पूछा था इस प्लेयर का नाम, इस कमेंट का नाम छोड़ो। उसके बाद जो है 7th है संगीता विश्वास, जिन्होंने पूछा डबल मेडल्स मिलेंगे क्या। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, यस उसको डबल मेडल्स मिल भी गए। तो जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये भाई का मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए, काफ़ी काम का चीज़ है। तो इस नाम है बंदे का कृष्णकांत गर्ग, ये भाई ने कमेंट किया है, भाई ये तो बता कि करे कैसे। सब यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पर करे कैसे ये बता। अगर सही हुआ तो तुझे एक मुझे एक कोल्ड पास का ऑफर दिया था इस बंदे ने। उस वक्त मैंने एक कमेंट पढ़ा था, बट वो वीडियो पे पहले ही बता चुका हूँ भाई मैं कि ये ग्लिच है। मैंने वीडियो में कभी नहीं बोला कि ऐसा तुम जानबूझ के या खुद से कर सकते हो। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने उस टाइम भी ये कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया था। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछा है कुलदीप खंडवाल, भाई वो ग्लिच नॉर्मल है या रेयर है। भाई वो ग्लिच बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम केसेस आपको ऐसे देख सकते हैं जहाँ पे एक बंदा दो जगह पे CWL में खेल रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर है। एंड जो नंबर 10 और लास्ट हो गए, अब ये पूछा बंदे ने, ये पॉसिबल है ब्रो? तो ये पॉसिबल है ग्लिच अगर हुआ तो, वरना ये इम्पॉसिबल है, खुद से आप कभी नहीं कर सकते हो और क्लैश ऐसा कभी अलो भी नहीं करेगा आपको। तो ये था कुछ सवाल जो कमेंट्स में पूछे गए थे उस वीडियो पे। वो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार देख सकते हो अगर आपको अभी भी पूरा डिटेल जानना है कि वो क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी मैं भाई बहुत देर से बकवक कर चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना जो भी नए लोग आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एवरीवन एंड बाय, स्टे सेफ स्टे होम।